दिवाली का त्योहार था, बम पटाखे आतिशबाजियां होना जायज सी बात थी, क्योंकि इस दिन सब साथ मिलकर अंधेरे को मिटाकर हर कोना रोशन करते हैं। लेकिन अब उन्हीं बम पटाखों से निकलने वाला धुआं देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत की हवा को इस कदर प्रदूषित कर चुका है जिसके आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और इसका बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत ही नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। भारत में कल दिवाली के त्योहार की धूम मची हुई थी, जिसमें मिठाई, कपड़ों और सजावट के सामान के साथ पटाखों की भी खूब बिक्री हुई। लेकिन दिवाली का यह त्यौहार अब बीत जाने के बाद जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो पूरे भारत की जनता की सांस रोक देंगे। दरअसल कल बहुत ही खुशी का दिन था, जब अंधेरे पर रोशनी की जीत की खुशी मनाने के साथ ही राज्य और कोर्ट के आदेशों का जमकर उल्लंघन भी हुआ। इसमें जहां एक तरफ भारत की राजधानी दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट जनता से पटाखे नहीं जलाने की अपील कर पटाखे बेचने और जलाने वालों पर सख्ती बरतने की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली की रात पूरी दिल्ली बम पटाखों की आवाज से गूंजती सुनाई दी। बता दें कि दिवाली का त्यौहार शुरू होने से पहले ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता कुछ खास सही नहीं थी, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने कई तरह के सख्त कदम भी उठाए, जैसे दिल्ली में बम पटाखे बैन, पटाखे बेचते और जलाते दिखाई देने पर भारी जुर्माने का भुगतान, पुलिस टीम को निगरानी करने के आदेश भी दिए गए, जो कि मात्र कागजी बातें बनकर रह गई, क्योंकि दिवाली की सुबह 8 बजे तक देश की राजधानी दिल्ली का AQI लेवल 341 पहुंच गया था, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि देर शाम तक वायु गुणवत्ता और भी खराब हो जाएगा, भले ही आतिशबाजी हो या नहीं। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो देश की राजधानी दिल्ली का AQI लेवल कल सुबह 341 तक पहुंच गया था, जो कि बुधवार शाम 4 बजे तक 314 था और मंगलवार को 24 घंटे का औसत AQI 303 और सोमवार को 281 था, जिसके बाद आज सुबह 10 बजे तक वो 442 हो चुका है, जो कि राज्य के खराब व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही अब ये देखा जाएगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।